Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, पहला मैच यार अबेंडन हो गया था, दूसरे मैच को इंडिया ने काफी आसानी से जीत लिया था। अब तीसरे मैच में क्या होने वाला है? क्या इंडिया वापस जीत सकती है? अगर हाँ तो क्या सूर्य कुमार यादव एक बार वापस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? क्या डीवन कोनवे एक बार वापस फ्लॉप हो जाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या एक बार वापस बॉलिंग नहीं करेंगे? तो देखो यार, बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता लगेगा कि यार आज के इस मैच में आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है, किस तरीके से आपको टीम बनानी है, कौन से प्लेयर्स को रखना है, किसे ड्रॉप करना है, किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इस मैच में टीम बनाना। एक बार वापस आप बहुत अच्छी टीम बना पाओगे, एक बार वापस आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो यार वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट नहीं जाए। साथ ही साथ दोस्तों देखो यार, इस मैच के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन आपको बताएगी आगे भी बहुत सारे मैच आ रहे हैं, नई क्रिकेट कहीं जा रहे हैं, नहीं हम कहीं जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते आए हैं पिछले 3 साल से, वैसे ही हम तो आगे भी प्रॉफिट कमाते रहेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में 3 वनडे के मैच बचे हुए हैं, इंडिया बांग्लादेश के मैच आ रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको बताया कि अबू धाबी लीग चालू हो रही है अभी 1-2 दिन में, जिसके भी बहुत सारे मैच हम अपने चैनल पर कवर करेंगे। तो अगर भाई अगर आपको भी हमारे साथ प्रॉफिट कमाते रहना है तो देखो यार, आपको कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 4 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस बटन को दबा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा के ऑन कर लेना। उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट हो टीम में आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा ना, वो सारी की सारी आप तक सही सलामत पहुंचती रहेंगी, और जब तक आपके पास हमारी टीम पहुंचती रहेगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी। लाखों लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया और इनका पिछले कई सालों से मैं अपने चैनल पर एकदम फ्री में प्रॉफिट करवा रहा हूं, तो आपका भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, एकदम फ्री का है, ठीक है? चलो दोस्तों बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो यार थर्ड T20 है, सबसे पहले एकदम जनरल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो भाई ये जो मैच है ये आज दोपहर को 12 बजे इंडियन टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये मैक्लेन पार्क के अंदर खेला जाएगा। अब यार इस मैदान की क्या खास बात है, एक नया नाम आपको सुनने को मिल रहा होगा, ये वाला जो मैदान है दोस्तों ये नेपियर के अंदर है, जो कि ऑफकोर्स न्यूजीलैंड के अंदर है। इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार वही बात है, देखो जिस भी भाई ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो यार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना, ठीक है? आपका वो जो लाइक होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें दोस्तों कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते आपके लाइक के, बस वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आप हमको भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे फ्री में वीडियोज और टीम्स लाते रहने के लिए, ठीक है? तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, हर किसी को लाइक करना है, ठीक है? खैर दोस्तों बात करते हैं देखो नेपियर के इस मैदान की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों वेदर की, तो मौसम एकदम सही रहने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लाउडी मौसम रहेगा, बादलों वाला मौसम रहेगा, थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, लेकिन बारिश आने के जो चांसेस है ना, जो फर्स्ट मैच में आ गई थी, सेकंड मैच में भी थोड़ी सी आई थी, इस मैच में आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि एक तरीके से मान सकते हो कि बारिश ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेगी इस मैच को, आराम से 20-20 ओवर का मैच अपने को देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं पिच की, तो देखो यार यहाँ का जो पिच है ना वो एक बार वापस आपको बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? आपने पिछला वाला मैच देखा था, इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर पोस्ट किया था और न्यूजीलैंड उस चीज़ को चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन आई थिंक कि इस वाले मैच में आपको उससे भी बेटर पिच देखने को मिलेगा, ठीक है? आई थिंक कि आराम से आपको 180 के समथिंग एवरेज स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाना चाहिए अगर दोनों टीम सही खेलती हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोलैप्स हो गया तो फिर 160 भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना? और जो भी टीम दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी, क्योंकि देखो यार यहाँ पर पहले बैटिंग करना और पहले बॉलिंग करना कुछ ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है। आज तक यहाँ पर टॉस तो टोटल 4 मैच खेले जा चुके हैं T20 इंटरनेशनल के, 2 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग की है, 2 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग की है। लेकिन मौसम को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाउडी मौसम रहेगा, मेरे को लगता है उसको देखते हुए टीम पहले बॉलिंग करेगी। बाकी दोस्तों देखो मैंने आपको ये जो भी पिच रिपोर्ट बताई है ना, ये एक जनरल पिच रिपोर्ट है, फाइनल पिच रिपोर्ट मत समझ लेना। फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास टॉस के टाइम आएगी, वो मैं आपके साथ अपने
टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आगे इस वीडियो में देखो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से रिलेटेड बताने वाला हूँ। जैसे कि आगे इस वीडियो में दोस्तों हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, टीम न्यूज देखेंगे, प्लेइंग 11 देखेंगे, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ टॉप परफॉर्मेंस देखेंगे, कुछ प्लेयर बैटल देखेंगे, मतलब कि दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती वो है यार स्मिथ की फाइनल टीम। और फाइनल टीम क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि यार वो अभी तक बनी ही नहीं है। आपको बताया अभी तक इस मैच का टॉस तो हुआ नहीं है, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है। टॉस होने के बाद ही दोस्तों अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट भी आएगी और फाइनल प्लेइंग 11 भी आएगी, उसको देख के जो यार हम अपनी फाइनल टीम बनाएंगे। तो भाई अपनी जो भी फाइनल टीम होगी ना इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलती है, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ठीक है। आपको अभी जाकर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करोगे एक दो सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। आपको पता है मेरे भाई 1,00,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर हमसे जुड़ रखे हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपका जुड़ना जरूरी है, अभी जाकर जुड़ना चाहो अभी जाकर जुड़ सकते हो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो बाद में भी जुड़ जाना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना आपका जुड़ना जरूरी है, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी, फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रख के जुड़ जाना। खैर दोस्तों बात करते हैं देखो रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, इनमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं। इस सीरीज के मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं, इस सीरीज में जो दो मैच खेले हैं इंडिया की टीम ने, पहला मैच तो ऑफकोर्स बारिश की वजह से नो रिजल्ट था, दूसरा मैच जीत गए थे दोनों न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सेम जो है न्यूजीलैंड का मामला है वो हार गए लास्ट वाला मैच, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, आज तक टोटल 23 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले जा चुके हैं T20 इंटरनेशनल के, जिनमें इंडिया ने 10 मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 9 मैच जीते हैं, और जो बचे हुए 4 मैच है वो टाई और नो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए थे। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये जो बायलेटरल सीरीज होती है ICC टूर्नामेंट को हम हटा देते हैं T20 वर्ल्ड कप के, है ना, ये जो बायलेटरल सीरीज होती है इनमें जो पिछले 8 या 9 मैच खेले गए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, वो सारे के सारे मैच इंडिया ने जीते हैं। बायलेटरल सीरीज के T20 मैच में अभी पिछले 8-9 मैच में न्यूजीलैंड ने नहीं हराया है, और इस मैच की बात करूं तो कहीं ना कहीं लग रहा है हाँ भाई इंडिया बाजी मार सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है प्लेयर, ठीक है। अब दोस्तों इस मैच में क्या होगा उसके बारे में हम आगे वीडियो में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपको लाखों का प्रॉफिट होने वाला है, वो भी डेली, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों MPL। MPL के बारे में तो यार आपने सबने सुना होगा, MPL के अंदर ही दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपिनियो का, ठीक है। ओपिनियो में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस ओपिनियन देना है, पैसे कमाना है, सिंपल है, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर पैसे कैसे कमाने हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको इसका डाउनलोड करना है, ठीक है। इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। साइनअप कोड आपको यूज करना है support50, उससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह के भी फायदे मिलेंगे और भी आपको यहाँ पर बहुत फायदे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं देखो यहाँ पर जीतना कैसे है, तो यार ओपिनियन नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपिनियन देना है। ओपिनियन कैसे देना है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सवाल होंगे आपको, यहाँ हाँ या ना में जवाब देना है और पैसे कमाने हैं, सिंपल। जैसे कि सवाल है कौन जीतेगा, हु विल विन इंडिया और न्यूजीलैंड, सिंपल आपको करना है। जैसे आज के मैच में इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है, मैं इंडिया पे ट्रेड करने वाला हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ इंडिया पे पैसे लगाने वाला हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ पर बहुत अच्छे जो है कैश यहाँ पर जीत सकते हो, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पर मिलते हैं जिनमें ट्रेड करो यार, सिंपल आपको हाँ या ना में जवाब देना है, क्रिकेट का नॉलेज अपना यूज में लो, एकदम आसानी से आप यहाँ पर पैसे जीत सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ट्रस्टेड है MPL, सबको पता है, सबने नाम सुना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका फायदा ही करवाएगा, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड इसको जरूर कर लेना, इसके डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम टाइम पर यहाँ पर गिव अवेज आते रहते हैं जिनका भी आपको फायदा मिल जाएगा। साइनअप कोड आप support50 यूज कर लेना, है ना। शायद पिछले मैच में इंडिया वाला जो पिछला मैच था ना इंडिया न्यूजीलैंड, उसमें भी मैंने इंडिया वाले पे क्लिक किया था और यहाँ पर मैंने पैसे जीते थे, इसलिए बता रहा हूँ एक बार ट्राई करना, इजी है और बहुत प्रॉफिट करवाने वाला है, ठीक है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों देखो टीम न्यूज के बारे में, तो यार दोनों टीम्स की तरफ से अपने पास जो भी न्यूज है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो देखो ये बात तो शायद मैंने आपको ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी बोली थी कि यार ये वाली जो सीरीज है ना इंडिया न्यूजीलैंड की टोटल एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। T20 वर्ल्ड कप हार के आ रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि भाई आखिर इनकी टीम में क्या दिक्कत है,
कौन से प्लेयर्स को T20 में खिलाना चाहिए, कौन से प्लेयर अब T20 के लायक नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो सब टेस्ट करने के लिए इन्होंने ये सीरीज की थी, लेकिन कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट मिला नहीं। ओपनर्स की बात थी तो ओपनर्स तो इस पिछले वाले मैच में भी फेल हो गए थे, आपको बताएं ईशान किशन ने भी थोड़े बहुत रन बनाए थे लेकिन बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे, और ऋषभ पंत ने तो कुछ रन बनाए नहीं थे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पर कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन आई थिंक कि इस वाले मैच को और फ्रीली खेलेंगे क्योंकि अब इंडिया ये सीरीज नहीं हार सकती, ठीक है, एक मैच अबेंडन हो गया, पिछला मैच इंडिया जीत गई, तो अब ये सीरीज हार नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा ये जो सीरीज है वो ड्रॉ ही हो सकती है, तो इस मैच में ज़्यादा खुले से खेलेंगे, तो ध्यान रखना ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों आपके लिए वाइटल पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़े बहुत चांस और मिलेंगे, ऋषभ पंत पिछले मैच में टोटली फ्लॉप हुए थे लेकिन चांस मिलेंगे, और अगर चांस मिलेंगे तो इसका मतलब कि शुभमन गिल आपको वापस बैठते हुए दिख जाएंगे और संजू सैमसन भी बैठते हुए दिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों संजू सैमसन को अगर खिलाना चाहें तो सूर्य कुमार यादव की जगह मौका दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी हिट फॉर्म में है और एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव को रेस्ट दे दें, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही रिस्की मामला हो जाएगा टीम इंडिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो कोई भी मेजर इंजरी रिपोर्ट इंडियन टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, एक बार वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी। ये रही दोस्तों इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ईशान किशन की, तो भाई इस सीरीज में आने से पहले इन्होंने अपने करियर में टोटल 19 मैच खेले थे T20 इंटरनेशनल के, जिनमें इन्होंने 543 रन बनाए थे और 30 प्लस का बैटिंग एवरेज था, जो कि डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले जो तीन मैच दोस्तों इन्होंने T20 फॉर्मेट में खेले हैं, एक में तो 102 रन बना के आ रहे हैं, नो डाउट, ये हालांकि डोमेस्टिक मैच है। उसके बाद दोस्तों एक मैच ये जो हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और पिछले मैच में 36 रनों की पारी खेली थी, मतलब थोड़ी स्लो पारी थी, लेकिन हाँ भाई 36 रन इन्होंने बनाए थे। उसके अलावा दोस्तों ऋषभ पंत की मैं बात करूँ, 64 मैच के 970 रन है, ये जो रिकॉर्ड आप देख लेना है ना, और दोस्तों इन्होंने जो T20 इंटरनेशनल में मैच खेले अच्छी पारी नहीं है भाई, है ना, 6 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो डेफिनेटली नहीं रखेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऋषभ पंत अच्छा कर सकते हैं टॉप ऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनको अपनी टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे पिक हैं। सूर्य कुमार यादव के बाद दोस्तों आ जाते हैं अपने पास श्रेयस अय्यर, जो कि अच्छे पिक हो जाते हैं। पिछले मैच में आप देखोगे ओनली 13 रन बनाए थे, कोई बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन अगर आपने मैच देखा हो तो आपको याद होगा कि भाई ये आउट कैसे हुआ था, ये आउट हुआ था बंदा, इसका जो पैर था वो स्टंप से लग गया था, हर बार ये गलती नहीं होगी, ठीक है, ये अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, एक चौका मारा था, एक छक्का भी मारा था शायद इन्होंने, ठीक है, तो अच्छी पारी खेल सकते हैं ये, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अपने पास ऑप्शन आता था दीपक हुड्डा का, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। इन्होंने दोस्तों जो तीन मैच खेले हैं पिछले अपने T20 इंटरनेशनल के करियर में, इन्होंने एक मैच में डक पे आउट हुए, दूसरा मैच नो रिजल्ट हो गया, और तीसरे मैच में वापस डक पे आउट हो गए, मतलब कि बैटिंग से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पिछले मैच में हालांकि दोस्तों बॉलिंग के साथ 4 विकेट ले गए थे, इसकी वजह से इनके जो सिलेक्शन परसेंट है वो थोड़े सी ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि यार दीपक हुड्डा एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर है, हो सकता है इनको पूरी बॉलिंग नहीं मिले, बॉलिंग मिले तो ज़रूरी नहीं है कि ये विकेट निकाले, क्योंकि पिछला वाला जो मैच था उसका जो पिच था वो स्पिनर को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एटलीस्ट। उसके अलावा दोस्तों हार्दिक पांड्या की मैं बात करूँ, ये इनका कुछ रिकॉर्ड है, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, इसमें आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, एटलीस्ट आई थिंक 2 या 3 ओवर तो बॉलिंग करेंगे, साथ साथ बैटिंग करते हैं, तो ये भी आपकी टीम के लिए डिसेंट पिक हो जाते हैं। इनको दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की दोस्तों मैं बात करूँ, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। पिछले मैच में दोस्तों बॉलिंग के साथ 1 विकेट मिला था, और आई थिंक ओनली 2 ही ओवर इनको दिए गए थे, क्योंकि वही बात है ना यार, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, पिछले मैच में 1 विकेट ले लिया था, इकोनॉमिकल रहे थे वो यार, टिपिकल अपने भूवी, ठीक है। उसके अलावा युजवेंद्र चहल की दोस्तों मैं बात करूँ, पिछले मैच में वापसी की, ये इनका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, पिछले मैच में वापसी करते हुए आई थिंक इन्होंने 2 विकेट अपनी टीम के नाम किए थे, यहाँ पर लिखना रह गया है, ठीक है। उसके अलावा अर्षदीप सिंह दोस्तों, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, पिछले मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला था। और मोहम्मद सिराज की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो पिछले मैच में 2 विकेट ये भी ले गए थे, इन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है इंडिया की टीम की, अब बात करेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड की, लेकिन उससे पहले वही बात है अपने वीडियो का गिव अवे, ठीक है। वीडियो के गिव अवे में कुछ भी आपको नहीं करना, बस ये जो सवाल है इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, अनलिमिटेड कमेंट आप कर सकते हो, और अगर एक भी कमेंट में आपके दोनों सवालों का जवाब सही आ गया तो फिर आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, और आपको जो
प्राइज है वो पेटीएम, फोनपे या गूगल पे जिस भी तरीके से आप एक्सपेक्ट करना चाहो वैसे हम भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों सवालों की मैं बात करूँ तो पहला सवाल आपको बताना है कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, ठीक है, प्लेयर का नाम आपको लिखना है। और दूसरा सवाल मैं आपको बताना है कि इस मैच में इंडिया का फाइनल स्कोर क्या रहेगा बैटिंग और बॉलिंग का, मतलब कि जैसे मान लो 179 पे 3 विकेट या फिर 169 पे 5 विकेट, जो भी है आप इमेजिन कर सकते हो। और अपने दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, फ्री का है भाई, तो जवाब दो पैसे दे दो, ठीक है, जाने मत दो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। खैर दोस्तों बात करते हैं देखो न्यूजीलैंड की टीम के बारे में, तो टीम न्यूज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जरूरी बात, केन विलियमसन आपको खेलते हुए नहीं देखेंगे, एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है उसकी वजह से ये 30-20 मिस करेंगे। इनकी जगह दोस्तों मार्क चैपमैन को स्क्वाड में ले लिया गया है और मेरे को लगता है कि केन विलियमसन को डायरेक्ट वो रिप्लेस कर देंगे, मार्क चैपमैन आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टीम सऊदी की मैं बात करूँ तो वो स्टैंड इन कैप्टन हो जाते हैं क्योंकि केन विलियमसन ऑलरेडी नहीं खेल रहे, तो कैप्टन कौन करेगा, टीम सऊदी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी इंजरी रिपोर्ट न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से है नहीं, और वही बात है यार, जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक नई नई अपडेट आती रहती है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये रही दोस्तों न्यूजीलैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों नाम अपने पास आ जाता है डीवन कॉनवे का, डीवन कॉनवे का जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। हम बात करते हैं दोस्तों इनकी रीसेंट फॉर्म की, तो हर एक मैच में 20 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 30 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी थोड़ी सी डाउन चल रही है। हालांकि दोस्तों डीवन कॉनवे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ध्यान रखना एक तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा, दूसरा होम कंडीशन रहेगी, न्यूजीलैंड के अंदर खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी कर सकते हैं, बस एक बार वो जो ले होती है ना वो पकड़ने की जरूरत है, और 20-25 तो रन बना ही रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में रखना, साथ साथ आपके लिए अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस है ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा फिन एलन की दोस्तों मैं बात करूँ, पावर हीटर कह सकता हूँ, लेकिन पिछले मैच में डक आउट हो गया था, उससे पहले 4 रन बनाए थे, उससे पहले दोस्तों 32 रनों की पारी जरूर खेली थी इन्होंने। दोस्तों जो एक अच्छी पारी खेली है ना रिसेंटली वो खेली थी आई थिंक 42 रनों की पारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत टाइम हो चुका उस चीज को, उसके बाद थोड़ा सा हल्का आ रहा है इनका परफॉर्मेंस, लेकिन ध्यान रखना ये आपके लिए ग्रैंड लीग के काफी अच्छे पिक हो जाते हैं क्योंकि ये एक ताबड़तोड़ बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों फ्लिप की अगर मैं बात करूँ तो इस बार नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको क्योंकि केन विलियमसन नहीं है। इनकी जो इनिंग है वो भी आप देख सकते हो, पिछले 3-4 मैच में कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन ग्लेन फिलिप है वो, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शतक भी मारा है, 50 भी मारी है, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इनको हम अपने टीम में रखेंगे। आपके लिए रिस्की वाइस कैप्टन के चॉइस में आपको बता देता हूँ ग्लेन फिलिप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डेरिल मिचेल का ऑप्शन आ जाता है, ये आपके इस मैच के ट्रंप कार्ड हो सकते हैं क्योंकि देखो पिछले मैच में इन्होंने 10 रनों की पारी खेली, कोई बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन उससे पहले अगर आप 2 मैच देखोगे तो दोनों मैच में काफ़ी अच्छी पारी आई है, और वो भी तब जब इनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो थोड़ा डाउन रहता था, नंबर 5 या 6 पर ये बैटिंग करते थे, और इस बार आपको मैक्सिमम नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, और अगर इतना ऊपर इनकी बैटिंग आ जाती है तो थोड़ी अच्छी पारी खेल सकते हैं, थोड़ी बड़ी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिस्क लेना हो आप डेरिल मिचेल को अपनी टीम में उठा लेना, अगर नहीं लेना हो तो फिर ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैपमैन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो केन विलियमसन आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, नए प्लेयर है, मतलब कि नए प्लेयर तो नहीं है, 40 मैच तो इन्होंने खेले हैं, लेकिन मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि रिसेंटली कुछ भी मैच नहीं खेले, ठीक है। और इंडिया की जो बॉलिंग है वो अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो आई थिंक अपनी टीम में मैं अपनी रखना चाहूंगा। बाकी ये भी दोस्तों एक पावर हीटर है, तो की एक आधी टीम में आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा टीम में ट्राई नहीं करना है, 20 टीम बना रहे हो तो 3 टीम में ट्राई कर लेना, उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। जिमी नेशम की दोस्तों मैं बात करूं, आउट ऑफ फॉर्म ये बंदा चल रहा है, इनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है। सेंडर की दोस्तों अगर मैं बात करूं, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, पिछला मैच दोस्तों इनका एक मात्र ऐसा मैच किया था जिसमें इन्होंने विकेट नहीं लिया, उससे पहले रेगुलरली इन्होंने विकेट लिए हैं, ठीक है। साथ साथ दोस्तों बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो आई थिंक मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा। उसके अलावा दोस्तों टीम सऊदी की मैं बात करूं, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, पिछले मैच में आप देख पा रहे हो 3 विकेट इन्होंने ले लिए, तो अपनी टीम में तुरंत रख लें भाई, ऐसी गलती मत रखना। हालांकि ऑफ कोर्स यार टीम सऊदी को हम अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 3 विकेट आए थे ये 20वें ओवर में आए थे, तीनों मैच लाइन वाइज आए थे, यानी कि हैट्रिक आई थी वो इसकी वजह से, क्योंकि इंडिया की जो टीम थी वो ऑफ कोर्स यार 20वें ओवर में आओ और मारो पे काम कर रही थी, है ना, एक विकेट गया, उसके बाद नया बैट्समैन आया और वो आई थिंक दीपक हुड्डा आया था, वो आया गया, ठीक है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आया था, वो आया गया, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने विकेट लिए थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इस मैच में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस करें, 3 विकेट ले जाएं एक साथ, ठीक है। उसके अलावा एडम मिलन के दोस्तों अगर मैं बात करूँ, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखना ये एक विकेट टेकर बॉलर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, और इनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना, हो सकता है मैं रिस्क लेके अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई करूँ क्योंकि एडम मिलन है एक क्वालिटी बॉलर है, ठीक है। उसके अलावा लोकी फर्गुसन दोस्तों पिछले मैच में 2 विकेट ले गए थे, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन अच्छे पॉइंट दे गए थे। और इस छोड़ी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, इनको हमने पिछले मैच में अपनी टीम में रखा था, 1 विकेट इन्होंने भी लिया था, अच्छे पॉइंट भी अपने को दिए थे, लेकिन इस मैच में शायद ही मैं अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पिच रिपोर्ट में ऐसा है कि स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिलेगा,
अब वो तो यार देखो एक जनरल पिच रिपोर्ट है, फाइनल पिच रिपोर्ट जब तक अपने पास आएगी तब तक अपने वो वेट करना पड़ेगा। मान लो कि फाइनल पिच रिपोर्ट में आ गया कि स्पिनर को सपोर्ट है, तब तो फिर मैं तुरंत इशोडी को अपनी टीम में उठा लूंगा, तब तो फिर तुरंत मैं युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में उठा लूंगा, अदरवाइज नहीं उठाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो फाइनल पिच रिपोर्ट का आपको वेट जरूर करना है, वो अपने पास टॉस के टाइम आएगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ध्यान रखना ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में। तो यार ये बात मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में बताई है, कोई ज्यादा खास है नहीं। संजू सैमसन दोस्तों अगर खेलते हैं तो ध्यान रखना सेंटर से खतरा रहता है, 7 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। श्रेयस अय्यर को दोस्तों स्टोडी परेशान करते हैं, 44 बॉल में 61 रन बनाने दिए हैं लेकिन 3 बार विकेट ले चुके हैं। हार्दिक पांड्या को भी दोस्तों स्टोडी परेशान करते हैं, 18 बॉल में 12 रन बनाने दिए हैं, 3 बार विकेट ले चुके हैं। और ऋषभ पंत को दोस्तों सेंटर परेशान करते हैं, 11 बॉल में 15 रन बनाने दिए हैं और 2 बार विकेट ले चुके हैं ठीक है। तो ध्यान रखना ये प्लेयर बैटल अपने दिमाग में रखना, जब भी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाओ। और उसके अलावा दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऊपर नाम आ जाता है देखो केन विलियमसन का आता था, लेकिन केन विलियमसन नहीं खेलेंगे। अगर श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इस सीरीज में आने से पहले 11 मैच खेले थे, 212 रन बनाए थे, 30 का बैटिंग एवरेज था। इस सीरीज में अभी तक एक मैच खेलने को मिला है जिसमें 13 रन बनाए हैं, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है। इस शोटिंग दोस्तों इंडिया के अगेंस्ट 15 मैच में 20 विकेट ले चुके हैं और 7.26 की इकोनॉमी रेट है और इस सीरीज में अभी तक एक विकेट लिया है। उसके अलावा सेंटर की दोस्तों मैं बात करूं, इंडिया के अगेंस्ट 16 मैच में 16 विकेट ये भी ले चुके हैं, मतलब कि अच्छी बॉलिंग करते हैं। पिछला मैच ऐसा था जिसमें विकेट नहीं मिला, लेकिन हर बार ये काम नहीं होने वाला ठीक है। उसके अलावा टीम सऊदी की दोस्तों मैं बात करूं, इन्होंने भी 15 मैच में 15 विकेट लिए हैं, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, लेकिन वापस बोल रहा हूं हर मैच में हैट्रिक नहीं उठाने वाला बंदा, उतनी ज्यादा उम्मीदें भी मत लगाना ठीक है। तो दोस्तों देखो यार अभी तक इस वीडियो में मैं आपको इस मैच से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था उतनी मैं आपको बता चुका हूं ठीक है। अब आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूं, लेकिन यार वही बात है देखो ये जो भी टीम मैं आपको दिखाने वाला हूं ना ये अपनी फाइनल टीम नहीं होगी, इसको कॉपी करके इसको छाप के अपने कोटे ज्वाइन मत कर लेना, आप अपना ही नुकसान करवा बैठोगे मेरे भाई ठीक है। अपनी जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी। टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया ठीक है। वीडियो खत्म करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना या फिर कमेंट बॉक्स खोल लेना, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बस इतना सिंपल सा आपको काम करना है ठीक है। बाकी दोस्तों अपनी जो डेमो टीम है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, इसमें देख लो मैंने कौन कौन से प्लेयर रखे हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यार ये वाली जो टीम है ये वाली टीम मैंने बनाई है विजन 11 पे। अब विजन 11 पे क्यों बनाई है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ड्रीम 11 पे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं वहीं खेलूंगा ना यार, वहीं इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मेरा प्रॉफिट होता है ठीक है। मैं आपको अगर T20 वर्ल्ड कप का एग्जांपल दूं तो भाई T20 वर्ल्ड कप में, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में हमने विजन 11 में टोटल विनिंग आपको पता है कितनी है, 83 लाख की विनिंग किसे कहते हैं भाई, 83 लाख ओनली इन T20 वर्ल्ड कप, और सिर्फ हमने विजन 11 पे इतनी विनिंग करी है। इसका जो प्रूफ है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। अब ऐसे विनिंग अगर कोई एप्लीकेशन करवाता है इसका मतलब है कि वहां पर कंपटीशन कम है। साथ साथ दोस्तों विजन 11 पे आपकी एंट्री फीस बहुत कम लगती है, आप कंपेयर करके देख लेना खुद ब खुद ठीक है। तो जिसने भी यार विजन 11 डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप फैंटेसी खेलते हो, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, भाई की बात मानो और विजन 11 को डाउनलोड करो ठीक है। इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों आज के इसी मैच में पूरे 50,000 रुपये का गिव अवे चल रहा है विजन 11 पे, उसका भी एकदम फ्री में फायदा उठा सकते हो। गिव अवे का फायदा उठाओ, कम एंट्री फीस में खेलो, कम कॉम्पिटिशन में खेलो और लाखों जीतो यार, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हमने जीते हैं 83 लाख और इसीलिए हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं विजन 11 पे ठीक है। तो आपने डाउनलोड नहीं किया ड्रीम 11 वगैरह को छोड़ो, थोड़ा आराम दो उसे, हाई एंट्री फीस देना बंद करो, विजन 11 पे आओ, कम एंट्री फीस में कम कॉम्पिटिशन में खेलो और जीतो ठीक है, रियल जीत जीतो। तो विजन 11 डाउनलोड कर लेना एक बार, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं देखो टीम की, तो विकेट कीपर सेक्शन से मैंने डीवन कोनवे को अपनी टीम में रखा है जो कि मेरी टीम में रहेंगे। ऑफकोर्स ये आपके पास यहाँ पर ऋषभ पंत का ऑप्शन आ जाता है जिनको अगर आप अपनी टीम में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। फिन एलन भी है जिनको मैंने आपको बता दिया ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना है ठीक है। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव को मैंने अपनी टीम में रखा है, ग्लेन फिलिप को मैंने रखा है और श्रेयस अय्यर को रखा है। इन तीनों को तो रखना ही रखना है, इन तीनों में कोई भी डाउट नहीं है। बाकी दोस्तों ईशान किशन और डेरिल मिचेल इन दोनों पे मैंने रिस्क लिया है, अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लेकिन मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और ये दोनों की दोनों क्वालिटी बैट्समैन है, इसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तो दोनों अच्छी पारी खेल सकते हैं ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हार्दिक पांड्या अपने पास ऑप्शन है और मिचेल सैंडर है, दोनों को मैंने अपनी टीम में उठा लिया। बाकी दोस्तों आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है जिमिनीशन वगैरह कहीं, लेकिन उनको ट्राई नहीं कर रहे। और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों हमने अर्षदीप सिंह को अपनी टीम में उठाया, टीम सऊदी को उठाया, लोकी फर्गूसन को उठाया ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा सेफ खेलना है तो ईशान किशन को और डेरिल मिचेल को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। इनको ड्रॉप करोगे उठाना किसे है, फिर आप बॉलिंग सेक्शन से आके आपके पास युजवेंद्र चहल का ऑप्शन बच जाता है और मान लो कि इस शोडी का आपके पास ऑप्शन बच जाता है। उसके अलावा ट्रेंट बॉल तो खेल नहीं खेल रहे, उसके अलावा आपके पास भुवनेश्वर
कुमार का ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद सिराज भी है, ठीक है, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे वो तो खैर मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो उसकी चिंता है ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो जिस भी भाई ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और साथ साथ यार सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल, वो भी एकदम फ्री में, बहुत सारे मैच आ रहे हैं, ठीक है। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन्हीं 11 प्लेयर में, तो आपके लिए यार सूर्य कुमार यादव, डीवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप, ये तीनों अच्छे चॉइस हैं। यहाँ से दोस्तों हार्दिक पांड्या एक अच्छे चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। रिस्की पिक में जाना है श्रेयस अय्यर की तरफ देख सकते हो, लेकिन सेफ खेलना चाहो तो ये ठीक आपके लिए चॉइस हो जाते हैं। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपके साथ तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, ओपिनियन का फायदा उठा लेना, उसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर ओपिनियंस देना है। और अगर आप फैंटेसी खेलते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, विजन 11 डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, यहां पर आपको बहुत फायदा होगा, एक बार ट्राई करके देखो सिर्फ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।